सलमान यूलिया का लीक वीडियो हुआ वायरल। करण काजोल की जारी दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत। आलिया चाहती हैं बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रहे उनकी फैमिली से दूर। दीपिका रणवीर के रिश्ते में क्या रणवीर बन गए हैं बिग प्रॉब्लम। कपिल शर्मा को क्यों मिला एक महीने का अल्टीमेटम। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स बिगेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान यूलिया की लवी डवी वीडियो इंटरनेट पर हुई वायरल। देखिए आज की टॉप स्टोरी में सलमान यूलिया की लव स्टोरी का सबसे बड़ा सबूत। सलमान खान यूलिया की ये नजदीकियां, ये बॉन्डिंग, ये पीडीए दिखा मालदीव्स में पूरे खान खानदान के साथ। यूलिया पहुंची थी मालदीव्स सलमान के नेव्यू आहिल का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने। यूलिया और खान फैमिली एक दो दिन पहले मालदीव्स पहुंच गई थी। वहीं सलमान पहुंचे थे आहिल के बर्थडे वाले दिन। सलमान ऑस्ट्रिया से 22 घंटे की फ्लाइट लेकर मालदीव्स पहुंचे थे, जहां पूरे खान खानदान के साथ सलमान की गर्लफ्रेंड यूलिया कर रही थी सलमान का इंतजार। वेल, सलमान ने यहां पहुंचकर लगता है यूलिया की सभी शिकायतें दूर कर दी। ये देखिए ये वीडियो मालदीव्स में शूट हुआ है, जहां सलमान और यूलिया का पीडीए साफ नजर आ रहा है। वैसे अब भले ही सलमान यूलिया और अपनी फैमिली के साथ मुंबई लौट आए हों, लेकिन मालदीव्स के किसेस अभी भी हर जगह फैले हुए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ये भी न्यूज आई थी, कैटरीना और सलमान की बढ़ती क्लोजनेस की वजह से यूलिया काफी अपसेट हैं। लेकिन सलमान यूलिया के इस पीडीए को देखकर ऐसा लगता है कि इनके बीच कोई तीसरा, वी मीन कैटरीना, नहीं आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। करण जौहर और काजोल की दुश्मनी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तभी तो रिसेंटली एक इवेंट पर जूम से एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान करण का नाम सुनते ही काजोल ने दिया एक शॉकिंग रिएक्शन। Not answering this question. Thank you. Not answering this question. Thank you. करण जौहर और काजोल के बीच की कड़वाहट फिर से आई सबके सामने। Not answering this question. Thank you. फिर से आया सबको नजर इनके बीच बढ़ चुकी है किस हद तक प्रॉब्लम। एक बार फिर ये साफ हो गया कि करण जौहर और काजोल शायद ही फिर से बने अच्छे दोस्त। Not answering this question. Thank you. जी हाँ, रिसेंटली अपने एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची काजोल के इवेंट पर। यहाँ काजोल थी इन ऑल गुड मूड, लेकिन जैसे ही काजोल के एक्स दोस्त करण जौहर की लाइफ से जुड़ी सबसे बड़ी खुशखबरी पर हमने काजोल से बात करने की कोशिश की, काजोल का ये रिएक्शन आया सामने। करण की लाइफ में गुड न्यूज आई रिसेंटली, बट एवरीवन इज रिएक्टिंग ऑन ट्विटर एंड द रिस्पांसेस आर फ्लडिंग फ्रॉम एवरीवेयर। हैव यू गॉटन इन टच विद हिम और हैव यू गिवन हिम एनी काइंड ऑफ विशेस फ्रॉम योर साइड फॉर द। नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू। वेल, काजोल का ये रिएक्शन साफ दिखा रहा है कि करण जौहर से वो कितनी ज्यादा नाराज है। तभी तो करण के घर आए दो नन्हे मेहमानों तक के बारे में भी बात करना काजोल को नहीं है गवारा। नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू। बॉलीवुड में दोस्ती और दुश्मनी चलती रहती है, लेकिन पिछले कुछ समय में किन्हीं दो सेलिब्रिटीज के बीच शायद ही इतनी कड़वाहट देखने के लिए मिली है। अब काजोल और करण के बीच की लड़ाई किसी से नहीं छुपी। इन दोनों ही सेलिब्रिटीज ने साफ किया है कि फ्यूचर में शायद ही वो बन पाए अच्छे दोस्त। नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू। लेकिन करण के बच्चों को लेकर आए काजोल के इस रिएक्शन को देखने के बाद अब साफ हो गया है इनके बीच दोस्ती होना अब हो गया है नामुमकिन। फॉर संदेश अगाते, जूम, मुंबई। आलिया नहीं चाहती सिद्धार्थ मल्होत्रा शामिल हो उनकी फैमिली की पार्टीज और गेट टुगेदर में। अब अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को आलिया क्यों रखना चाहती है भट्ट फैमिली से कोसों दूर? लेट्स फाइंड आउट।
आलिया सिद्धार्थ को नहीं करना चाहती अपनी फैमिली के प्राइवेट पार्टी में इनवाइट। अवार्ड नाइट से लेकर सिड के घर पर लेट नाइट पार्टी करने वाले आलिया को नहीं मंजूर कि सिड दिखे उनकी फैमिली के आसपास। आलिया ने सिड को दिया है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कि फिलहाल के लिए वो अपना रिश्ता रखे सिर्फ उनके साथ। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आलिया अपनी फैमिली से रखना चाहती है सिद्धार्थ को दूर? कहीं ऐसा तो नहीं आलिया अभी अपने और सिड के रिश्ते को लेकर नहीं है श्योर? दरअसल भट्ट फैमिली ने रिसेंटली अपने प्रोडक्शन हाउस यानी विशेष फिल्म के 30 इयर्स कंप्लीट होने की खुशी में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रखा एक गेट टुगेदर। लेकिन सरप्राइजिंगली इस पार्टी में सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी किया गया इनवाइट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पार्टी का हिस्सा आलिया नहीं थी क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं। ऐसे में सिड को फिर भी भट्ट फैमिली ने अपनी प्राइवेट पार्टी में किया इनवाइट। लेकिन सिड इनविटेशन के बावजूद इस पार्टी में नहीं पहुंचे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज आलिया ने सिड से इस पार्टी में नहीं जाने के लिए कहा। अब इसका मतलब ये है कि भट्ट फैमिली तो सिद्धार्थ को अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आलिया अभी है इन टू माइंड्स। शायद हो सकता है आलिया सिड को अपने फैमिली गेट टुगेदर में शामिल करवा कर ये सिग्नल नहीं देना चाहती कि इनके रिश्ते की बात चल रही है। अब आलिया, हर कोई जानता है सिद्धार्थ आपकी फैमिली के कितने करीब हैं। ऐसे में इस तरह दुनिया की नजरों से इस बात को छिपाना क्यों? फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। रणवीर सिंह क्या बन गए हैं दीपिका के साथ उनके रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम की वजह? सोर्सेज ने किया रिवील, आखिर रणवीर की कौन सी आदत दीपिका को कर रही है बहुत ज्यादा परेशान? रणवीर और दीपिका के बीच अब भी बरकरार हैं प्रॉब्लम्स। रणवीर दीपिका के रिश्ते में आ चुकी शायद कभी न भरने वाली दरार। कभी खबर आई कि दीपिका और हॉलीवुड एक्टर विन डीजल की बढ़ती क्लोजनेस की वजह से इनके बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो कभी कहा गया कि दीपिका हॉलीवुड में बिजी हैं और रणवीर बॉलीवुड में, इसीलिए इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनके बीच दूरियों की वजह बन गया है। फिर रिसेंटली दीपिका रणवीर को एयरपोर्ट पर छुपते छुपाते साथ में कैप्चर किया गया और हर जगह न्यूज आई कि इनके बीच सब कुछ ठीक है। बस पद्मावती के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के कहने पर ये मीडिया के सामने साथ नहीं आ रहे थे। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि आखिर रणवीर दीपिका साथ हैं या नहीं। वेल, सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दीपिका और रणवीर के रिश्ते में दरार की खबरें सही है और इनके बीच प्रॉब्लम्स की वजह दीपिका विन की स्पेशल फ्रेंडशिप या इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं बल्कि रणवीर सिंह है। सोर्सेस का कहना है कि रणवीर का एटीट्यूड दीपिका को उनसे दूर कर रहा है। रणवीर कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो इस बारे में दीपिका को कुछ नहीं बताते। सोर्सेज ऑल्सो से दैट रणवीर इज नॉट ओपन टू दीपिका अबाउट हिज सोशल लाइफ एंड फ्रेंड्स। रणवीर के यही बदले तेवर दीपिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। आफ्टर ऑल, एक टाइम पर रणवीर दीपिका के लिए अपना प्यार दिखाने में कभी पीछे नहीं होते थे। तो क्या मान लिया जाए कि रणवीर की दीपिका के लिए दीवानगी कम हो गई है? वो संदेश अगा थे, जूम मुंबई। सोशल मीडिया पर सोनम कपूर और उनके बॉयफ्रेंड आनंद अहूजा से लेकर एसआरके और अनुष्का शर्मा ने कैसे मचा रखी है धूम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज और किस एक्टर की पिक्चर हुई वायरल, चलिए आपको दिखाते हैं।
सलमान खान के फैंस ने सोशल मीडिया पर एक बेबी के साथ शेयर की सलमान की थ्रोबैक वीडियो। इस वीडियो में सलमान एक बेबी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में ये वीडियो इंटरनेट पर हो गई है वायरल। कपिल शर्मा के रियलिटी शो पर पहुंचे परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना, जहां उन्होंने कपिल का बर्थडे किया सेलिब्रेट और साथ ही की कपिल शर्मा की जमकर खिंचाई। परिणीति और आयुष्मान ने सार्कास्टिकली कपिल को याद दिला दिया कि उनके शो पर उनके कम ही यार बचे हैं। SRK और अनुष्का शर्मा पंजाब में कर रहे हैं शूटिंग। इम्तियाज अली की फिल्म रौला की शूटिंग में शाहरुख अनुष्का पंजाब गए हैं और इनके पंजाब शूटिंग की पिक्चर्स हो गई हैं इंटरनेट पर वायरल। अक्षय कुमार ने भूषण कुमार की फिल्म मुगल की भगवान शिव के सामने साइन। ये फिल्म लेट गुलशन कुमार की लाइफ पर बेस्ड है, यानी एक और बायोपिक पर करेंगे अक्षय काम। गोलमाल अगेन का फर्स्ट स्केड्यूल हो गया है रैप अप और अब टीम गोलमाल मुंबई के बाद हैदराबाद में करने वाली है दूसरा स्केड्यूल शुरू। अजय देवगन ने गोलमाल अगेन की पूरी टीम के साथ अपनी ये पिक्चर की इंटरनेट पर शेयर। के बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा की पिक्चर एक बार फिर से इंटरनेट पर हो गई है वायरल। आनंद आहूजा ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर की है सोनम के साथ अपनी ये पिक्चर विद कैप्शन आनंद आहूजा ब्लू स्काइज लेटर ग्राम एवरी डे फिनोमिनल। वेल क्लियर है, लव इज इन द एयर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कपिल शर्मा को उनके चैनल ने क्यों दिया एक महीने का अल्टीमेटम। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के शो को जब से क्विट किया है, कपिल का शो टीवी के टॉप 10 शो की लिस्ट से हो गया है बाहर। अब ऐसे में कपिल को अपने चैनल से मिला है एक महीने का अल्टीमेटम। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आपको दिखाते हैं। कपिल शर्मा को मिला एक महीने का अल्टीमेटम। द कपिल शर्मा शो के लिए क्या शुरू हो गई है उल्टी गिनती? क्या कपिल शर्मा के शो पर मंडराने लगा है खतरा? अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज बताया जा रहा है कि इस महीने कपिल शर्मा शो का कॉन्ट्रैक्ट चैनल रिन्यू करने वाला था, जिसकी अमाउंट करीब 106 करोड़ की थी, लेकिन लगातार शो की गिरती TRP और कपिल का अकेले शो को हैंडल करने में आ रही मुश्किल को देखते हुए चैनल ने रिपोर्टेडली दे दिया है कपिल को अल्टीमेटम। माना ये जा रहा है कि कपिल और उनके को एक्टर्स के लिए ये आखिरी मौका है। अगर ऐसा करने में कपिल और उनकी टीम कामयाब नहीं हुई तो चैनल शो को खत्म करने का कड़ा कदम भी उठा सकता है। इस शो की मौजूदा TRP को देखते हुए लगता है कि कपिल के लिए सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर, अली असगर और सुगंधा मिश्रा के बिना इस शो में कॉमेडी को जिंदा रख पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये सभी लोग वापस शो से जुड़ने को तैयार नहीं हैं और मजबूरन चैनल के पास शो को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। और ऊपर से हाल ही में खबर ये तक आई है कि कपिल ने कुछ नए लोगों के साथ कॉमेडी शो को शूट करने की कोशिश की, तो बिगड़े हुए तालमेल की वजह से व्यूअर्स को नहीं आई बिल्कुल भी हंसी। और फिर बताया ये भी गया कि कपिल इस बात को लेकर इतने परेशान हुए कि उन्होंने थोड़ी देर बाद ही बीच में ही शो के शूट को कर दिया कैंसिल। और अब कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि सुनील नहीं आएंगे कपिल के शो में वापस। राजू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सुनील के साथ उनके रीसेंट मुलाकात में सुनील ने उनसे कहा कि राजू भाई, यू नो मी सिंस सो लॉन्ग, इट्स नॉट लाइक आई एम एरोगेंट या मुझे कोई पॉपुलैरिटी का नशा हुआ है, बट मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। आई विल नॉट कम बैक ऑन द शो, अगर कपिल सुधर जाए फिर भी मैं वापस नहीं आऊंगा। अब राजू के इस कॉन्फर्मेशन के बाद तो कपिल की सुनील से जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। और अब कपिल के लिए अकेले अपने दम पर शो की TRP को बरकरार रखने में बहुत मुश्किल आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे
आलिया भट्ट की जगह कैसे सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान को आमिर कर रहे हैं फिल्म थग ऑफ हिंदुस्तान के लिए कंसिडर। आलिया भट्ट का नाम आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन अब अचानक इस फिल्म के लिए सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान का नाम सामने आ रहा है। क्या आलिया को सारा करेंगी आमिर की फिल्म में रिप्लेस? आलिया भट्ट को लेकर आमिर खान हुए डबल माइंडेड। टग्स ऑफ हिंदुस्तान में अब आलिया की जगह आमिर सारा अली खान को कर सकते हैं कास्ट। सारा अली खान को फाइनल किए जाने के पीछे आखिर क्या है वजह? तो आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले हमने आपको अपडेट किया था कि टग्स ऑफ हिंदुस्तान में लीड एक्ट्रेस की रेस में कटरीना, अनुष्का, श्रद्धा और वानी जैसी बॉलीवुड की कई टॉप मोस्ट हीरोइंस के नाम आ रहे थे, लेकिन रिपोर्टेडली आमिर कीन थे आलिया भट्ट को कास्ट करने के लिए। और अब अकॉर्डिंग टू क्लोज सोर्सेज ये खबरें आ रही हैं कि सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से कर सकती हैं बॉलीवुड में अपना डेब्यू, और बताया जा रहा है कि खुद आमिर चाहते हैं सारा अली खान को इस फिल्म में कास्ट करना। और इसके पीछे रीजन ये दिया जा रहा है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट इस फिल्म में एक यंग और फ्रेश फेस चाहते हैं, और सारा अली खान इस मामले में पूरी तरह से फिट बैठती हैं। सारा के बारे में ये भी रिपोर्ट्स आए हैं कि करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से वो डेब्यू कर सकती हैं। वैसे अगर सारा आमिर के ऑपोजिट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कास्ट होती हैं, तो ये उनके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं होगा, और व्यूअर्स के लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग पेयर होगा। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि आलिया, वानी, श्रद्धा, सारा या कोई और ही होगी आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की हीरोइन। तब तक के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। क्या शाहिद मीरा किसी फिल्म में करेंगे काम? शाहिद ने दिया जवाब। और कैटरीना कैफ क्यों शामिल नहीं हुई सलमान के नेव्यू आहिल की बर्थडे पार्टी में? ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। दिस इज इट फॉर नाउ, वी'ल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस एंड स्कूप्स। अंटिल देन कीप वॉचिंग जूम, टर्न ऑन।